दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ स्वाति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 मई को रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में 1700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किया। इस अवसर पर जिले के 2,23,869 किसान लाभान्वित हुए। जानकारी के अनुसार तहसील हरमना के 24,605, त्योथर के 27,371, मनगवा के 24,680, सेमरिया के 18,310, सिरमौर के 20,654, जवा के 20,876, मऊगंज के 18,195, नईगढ़ी के 19,458, हुजूर के 15,100, नईगढ़ी के 19,458, गुड़ के 15,100, रायपुर करचुलियान के 8,905 तथा हुजूर नगर के 6,472 किसानों के खाते में राशि अंतरित हुई है। उल्लेखनीय है कि जिले में 2,41,848 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 2,23,869 किसानों का सत्यापन हुआ, जो लक्ष्य का 92.57% है। आपको बता दें कि SF मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासन ने काफ़ी भीड़ जुटने की उम्मीद की थी, लेकिन जो प्रशासन को उम्मीद थी उतनी भीड़ नहीं जुट पाई। आइए आपको सुनाते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। शक्तिशाली भारत के निर्माता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और मध्यप्रदेश की अपनी सरकार, हमारा एक ही लक्ष्य है, खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसान के पास पहुंचाने से ज्यादा पैसा पहुंचाना है। अभी आदरणीय नरेंद्र जी की बता रहे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया 6,000 रुपया एक साल में किसान के खाते में डाल दिया है। हमने चौथी बार मुख्यमंत्री जिलने का सरकार प्रधानमंत्री 6,000 डाल रहे हैं, चौथी बार बना तो 4,000 दीने के बाद कम से कम 10,000 तो करेंगे। और तब हमने ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री जी बड़े हैं वो 6,000 डालेंगे, मामा छोटे हैं वो 4,000 डालेंगे। कुल मिलाकर 10,000 रुपया अतिरिक्त किसान को मिलना चाहिए। मैं बड़े किसानों की बात नहीं करता, जो छोटे किसान हैं, एक एकड़ वाले, दो एकड़ वाले, ढाई एकड़ वाले, सूखी खेती करने वाले, उनके लिए 10,000 रुपये की राशि बढ़ना नहीं पड़ता। छोटी छोटी जमीन के टुकड़े जिनके पास, उनको समय पर, अगर समय समय में 10,000 और आप देखिए 5,000 रुपये 10,000 रुपये 3,000 प्रधानमंत्री की डालते, 2,000 मैं डालता हूँ, तो आप ये मानिए कि 2.5 महीने के अंतराल से 2,000 रुपये खाते में पहुँचते रहते हैं, तो कई बार कई काम बहुत आसान हो जाता है।